और बाकी 2024 में आपने कहा 2024 को लेके काफी उत्सुकता है और आई थिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था। मैडम मुझे उमेश जी यहाँ के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में क्या विकास करना चाहती हैं, क्या करना चाहिए? ये यहाँ जहाँ के विधायक उमेश जी हैं उसके उनके क्षेत्र में हम क्या विकास करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी इनकी बहुत उन्नति हो और आप लोग जो हैं इनको और जिम्मेदारियां दें। हम यही चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये और भी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। इनको ये छोटे में मत छोड़िएगा, इनको पूरा आप उस लोकसभा भी दीजिए, उसके बाद और जिम्मेदारी दीजिए इनका। शूटिंग की कई जगह है, यहाँ पर शूटिंग करना चाहेंगे अगर मौका मिलता? जी बिल्कुल, हम डेफिनेटली शूटिंग करना चाहेंगे यहाँ पे। सर देखिए, जो शादी होती है वो दिल के रिश्ते होते हैं, है ना? आप ये सभी जानते हैं, और शादी जो है दिल के रिश्ते होते हैं। जब लोगों के दिल मिल गए हैं तो बाकी वो जो उनकी प्रेफरेंस है उसमें हम क्या बोल सकते हैं। मैडम दूर दूर से चार धाम में यात्री आए हैं यहाँ सिंह धामी, क्या मांग करेंगे उनसे कि चार धाम यात्रा सकुशल संपन्न कराएं बढ़िया से? हमारे लिए तो जो है जैसा कि मैंने बताया उमेश भैया ने अच्छा इंतजाम करके रखा है, और बाकी ये हैं यहाँ के कर्ता धर्ता, आप इनसे पूछिए। हम तो फिल्म एक्टर हैं यहाँ पे, तो उसी कैपेसिटी में हम आए हैं। और मुझे तो जो जहाँ देखो वहाँ पे ये जिसे देवभूमि कहते हैं, हर जगह देवता ही देवता और खूबसूरती खूबसूरती दिख रही है। हम तो प्रसन्न है बस यहाँ आके। बॉलीवुड की बात की आपने, सलमान खान को भी धमकी मिल रही है जेल से, लॉरेंस बिश्नोई जैसे धमकी दे रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं, जिस तरह धमकी दी जा रही है? आप मतलब सारी समस्याएं देश की मुझसे आज ही सॉल्व करवा लेंगे, सारे देश की समस्याएं मुझसे आज ही सॉल्व करवा लेंगे आप? देखिए जैसा मैंने कहा कि हम कलाकार हैं, और बाकी आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं वो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो कि सब सलमान जी को सिक्योरिटी मिली हुई है, तो डेफिनेटली सेंटर से उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, तो जिनकी रक्षा खुद स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री अमित शाह जी और वो पूरी सेंटर से जो मिली हुई है सिक्योरिटी, तो हम भी इस बात को लेकर काफी आश्वासन में है कि उनका भी अच्छे से जिस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। मुझे भी जब धमकी मिली तो मुझे भी सिक्योरिटी मिली थी, तो जब मैंने कहा देश अच्छे हाथों में है तो हम क्यों चिंता करें, हमारे चिंता करने लायक कोई बात नहीं है।